पीएम मोदी जी से हम हमारी जाने से पहले ऑनलाइन मुलाकात बात हुई थी, बातचीत हुई, तब उन्होंने हमें बहुत प्यार से ये समझाया था कि पूरा देश हमारा हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट में खड़ा है और हम वहाँ जाएं और अपना बेस्ट दें और जो जो भी हमें जिस भी चीज़ की हमें वहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ का वो ध्यान रखे जाएंगे। और वही हुआ जब हम पेरिस में थे, हमें छोटी छोटी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी उन चीज़ों का ख्याल रखा गया। और मेडल जीतने के बाद में जब हम वापस आए हैं मोदी जी हमसे मिलने, वो हमसे मिले और उन्होंने हमें हमारे अचीवमेंट को सराहा। मैं उनसे जब मिला उन्होंने मुझे कहा कि बहुत उम्दा खेले नितेश, तो जब आपको आपके देश के प्राइम मिनिस्टर आपको अपने नाम से जानते हैं और वो आपके अचीवमेंट को सराहते हैं तो वो बहुत मोटिवेटिंग होता है। और फिर हमने उनके साथ काफ़ी वार्तालाप हुई पूरे कंटिंजेंट की और हमें अपना काफ़ी अपना सा उन्होंने फील करवाया, तो ये बहुत मोटिवेटिंग था हर एथलीट के लिए जो वहाँ पे थे। अब तैयारी तो अभी नहीं शुरू हुई है क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी हर एथलीट इतने बड़े टूर्नामेंट से आए हैं तो सब खुश हैं, सब अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहेंगे। बट ऑफकोर्स जैसा हमने टोक्यो में 19 के बाद पेरिस में 29 जीते हैं तो गेम काफ़ी ग्रो हो रहा है, पैरा स्पोर्ट्स काफ़ी इंडिया में ग्रो हो रहा है, मिनिस्ट्री का बहुत सपोर्ट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सपोर्ट है, जनता का बहुत सपोर्ट है। तो अगर हम वही सपोर्ट को बरकरार रखते हुए हम सबका ये एंटिसिपेशन है कि हम LA 2028 में 40 प्लस मेडल जीतेंगे। और जो कॉन्फिडेंस अभी पेरिस की परफॉर्मेंस के बाद पूरे कंटिजेंट में आया है, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस देख के वो बहुत अचीवेबल टारगेट है।